हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल शाइन ट्यूटोरियल। माय सेल्फ बिंदु प्राशर। सो गाइस, हम जो है बायोलॉजी के अंदर एनिमल किंगडम को डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंदर जो है हम फाइव फाइलम जो है ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो ट्रिक के हिसाब से क्या क्या फाइलम थी हमारे पास। ट्रिक मैं आपको बार बार इसलिए बता रही हूँ ताकि वो आपको फाइलम जो है सीरियल वाइज जो है वो लर्न हो जाए। ठीक है, तो क्या थी हमारे पास ट्रिक। पी सी, पी से पोरिफेरा, सी से हमारे पास था नाइडेरिया, सिलेंट्रेटा भी हम इसे कहते हैं। उसके बाद था हमारे पास सी पी यू की जगह हमने क्या किया था, ए। ठीक है, तो टीनोफोरा, प्लैटीहेलिमिंथिस एंड जेड जो अभी हम फाइलम करके जो है फिनिश की है, दैट इज एस हेलिमिंथिस। ठीक है, आज जो हम फाइलम करने जा रहे हैं, ठीक है, क्या किया था हमने कि पीसी है हमारे पास, उसके साथ सीपीओ टेस्ट था, यू की जगह ए किया था, उसके बाद आ, ठीक है, एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा। तो आज जो हम फाइलम करने जा रहे हैं दैट इज ए एनिलिडा। ठीक है, एनिलिडा फाइलम की अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो मोस्टली आते हैं, देखिए एस हेलिमेंथिस के अंदर हमने क्या किया था, जब ये आई थी हमारे पास प्लैटी हेलिमेंथिस में हमारे पास जो वर्म्स आए थे वो कैसे थे, फ्लैट थे। ठीक है, उसके बाद जो आए थे वो हमारे पास इस तरह से, ठीक है, किस तरह से सिलेंड्रिकल बर्म्स जो थे प्रेजेंट थे। तो जो एनिलिडा के अंदर बर्म्स आएंगे वो कैसे होंगे, ठीक है, ये हमारे पास सॉफ्ट वर्म्स होते हैं। ठीक है, बॉडी बहुत ज्यादा सॉफ्ट और लचीली सी बॉडी इनकी होती है, ये भी सिलेंड्रिकल होते हैं, सिलेंड्रिकल बॉडी है इनकी। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, इनकी बॉडी के अंदर सेगमेंटेशन होती है, सेगमेंटेशन। ठीक है, यानी कि इनकी बॉडी कैसी है, सेगमेंटेड बॉडी है। ठीक है, अगर आप अर्थबॉम की स्ट्रक्चर देखोगे ना, तो इस तरह से अगर अर्थबॉम है तो उसमें ना इस तरह से छोटी छोटी सेगमेंट बनी होती है, इस तरह से होंगी। ठीक है, और ये कैसी होती है, ये ऐसा नहीं है कि ये सेगमेंट जो है सिर्फ बाहर ही प्रेजेंट है, ये सेगमेंटेशन जो होती है, ठीक है, ये आपकी एक्सटर्नल भी रहेगी और इंटरनल भी रहेगी। ठीक है, ये सेगमेंटेशन जो होगी वो एक्सटर्नल भी होगी एज वेल एज इंटरनल भी, अंदर से भी इनकी बॉडी इसी तरह से सेगमेंटेड होगी। ठीक है, तो इस तरह की जो सेगमेंटेशन होती है, ठीक है, इसे हम ट्रू सेगमेंटेशन कहते हैं। ठीक है, ये जो होगी ट्रू सेगमेंटेशन कहलाएगी, और इसमें जो हमारे पास ये सेगमेंट्स होते हैं ना, तो इन्हीं को जो ये छोटी छोटी रिंग्स लाइक स्ट्रक्चर होती है ना, ऐसे ऐसे बनी होगी, ये ऐसे होगी, फिर उसके बाद इस तरह से होगी। ठीक है, इस तरह से ये रिंग्स आगे से आगे जो है वो बनती जाती है, अंदर से इस तरह से होगी ये। ठीक है, हर एक सेगमेंट इस तरह से होगी। तो ये जो हमारे पास सेगमेंट होती है ना, ठीक है, रिंग लाइक सेगमेंट होती है, ये रिंग लाइक सेगमेंट होगी, और इसे क्या कहा जाता है, इसे एन्यूलाई कहा जाता है। एन्यूलाई रिंग लाइक सेगमेंट है, इसी वजह से इस फाइलम का नाम जो है क्या पड़ा है, एनिलिडा। ठीक है, एनिलिडा जो है, ठीक है, ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर एनुलाई कहलाएगी, एनिलिडा फाइलम का नाम जो है इसी से पड़ा है। ठीक है, और जो सेगमेंटेशन होती है इसे जो है मेटामेरिज्म कहा जाता है। ठीक है, मेटामेरिज्म, और जो इसकी एक जो सिंगल स्ट्रक्चर होगी इसे क्या कहा जाएगा, मेटामर। ठीक है, और सेगमेंटेशन को मेटामेरिज्म कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, जो आपके पास सिंगल सेगमेंट बनेगी उसे क्या कहेंगे हम, ठीक है, इसे मेटा मेरी कहा जाएगा। और जो सेगमेंटेशन होती है, ठीक है, दैट सेगमेंटेशन इज नोन एज मेटामेरिज्म। ठीक है, अब ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तक किसी भी फाइलम के अंदर जो थी वो ट्रू सेगमेंटेशन नहीं हुई थी,
फर्स्ट ट्रू सेगमेंटेशन जो है वो एनिलिडा फाइलम के अंदर जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसकी, अभी हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ही देख रहे हैं, तो जैसे कि हमारे पास है हैबिटेट, ठीक है, हैबिटेट की बात अगर हम करते हैं इसके अंदर, तो ये जो है देखिए डिफरेंट काइंड ऑफ हैबिटेट इसके अंदर प्रेजेंट है। इट मे बी प्रेजेंट इन फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर कैटल लीच, ठीक है, कैटल लीच जो होती है हमारे पास, ये हमारे पास फ्रेश वाटर के अंदर पाई जाती है। उसके बाद अगर हम टेरिस्ट्रियल की बात करें, ठीक है, तीन जो डिस्क्राइब किए गए हैं मेनली इसके अंदर एनसीईआरटी के अंदर, ठीक है, उसमें हमारे पास है कैटल लीच, इंडोनेरिया, ठीक है, उसके बाद है टेरिस्ट्रियल जिसमें आता है हमारे पास अर्थवॉर्म, फार्मर्स फ्रेंड अर्थवॉर्म। उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारे पास, फ्रेश वाटर भी हो गया, टेरिस्ट्रियल भी हो गया। अब इसके अंदर कुछ स्पीशीज ऐसी हैं जो कहाँ पाई जाती हैं, वो है मेराइन, मेराइन मतलब कि वो सी वाटर के अंदर पाई जाएंगी, ठीक है, उसका एग्जाम्पल है आपके पास नेरिस, ठीक है। तो इन्हीं के बारे में नेक्स्ट जो है हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हैबिटेट आपने देख लिया, ठीक है, थ्री टाइप्स ऑफ हैबिटेट जो ये बता रहा है, ये फ्रेश वाटर में भी मिलती है, टेरेस्ट्रियल भी है और ये मेराइन भी है, ठीक है। अब बात करते हैं इनकी बॉडी सिमेट्री की, ठीक है। तो अभी तक जो हमने फाइलम करी थी, ठीक है, लास्ट फाइलम जो हमने करी थी उसमें हमारे पास जो थी वो बाइलेटरल सिमेट्री आ चुकी है, ठीक है। तो इसमें भी हमारे पास जो सिमेट्री रहेगी दैट इज बाइलेटरल सिमेट्री। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी जर्म लेयर की, जर्म लेयर इन एनिलिडा। तो क्या हो चुका था, अब हमारे पास तीन जर्म लेयर आ चुकी हैं, ठीक है, कौन कौन सी है, बाहर है हमारे पास एक्टोडर्म, मिडल में प्रेजेंट है मीजोडर्म, आफ्टर दैट एंडोडर्म, थ्री जर्म लेयर होगी। तो किस तरह का ऑर्गेनिज्म है, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक रहेंगे जो एनिलिडा फाइलम है वो कैसी है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ठीक है। सिमेट्री भी होगी, जर्म लेयर भी होगी। अब बात कर लेते हैं सिलोम की, ठीक है। तो पिछली फाइलम जो थी हमारे पास उसमें क्या था, हमारे पास सिलोम कैविटी प्रेजेंट तो थी, ठीक है, प्रेजेंट तो थी, लेकिन क्या थी, मीजोडर्म से लाइंड नहीं थी। इसमें हमारे पास जो सिलोम होगी दैट इज लाइंड बाय मीजोडर्म। अब मीजोडर्म से लाइंड है तो कैसी होगी ये, ठीक है, कैसी होगी, अब ये हमारे पास ट्रू सिलोमेट, ठीक है, ट्रूली सिलोमेट ऑर्गेनिज्म जो है, ठीक है, वो एनिलिडा के अंदर जो है वो प्रेजेंट होंगे। अब देखिए ये एडवांस फीचर आ रहा है इस फाइलम के अंदर, सेगमेंटेशन हो रही है, ठीक है, थ्री टाइप्स ऑफ हैबिटेट के अंदर ये रह रहा है, ठीक है, सिलोम कैविटी इसके अंदर अब प्रेजेंट होगी। अगर हम बात करते हैं इसके हेड की, ठीक है, तो हमारे पास क्या हो रहा था, जो पिछली फाइलम हमने पढ़ी थी, ठीक है, दैट इज एस हेलिमेंथिस, उसमें हमारे पास एक पर्टिकुलर हेड यानी एंटीरियर और प्रोस्टीरियर पोर्शन उसमें आ रहा था। डाइजेस्टिव ट्रैक जो था उसका कैसा था, कंप्लीट था, सेम इसमें भी ऐसे ही होगा, ठीक है। तो अगर हम इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं, सॉरी हेड की, हेड पढ़ रहे थे हम, ठीक है, हेड है तो इसमें हमारे पास पोस्टीरियर एंटीरियर पोर्शन जो है वो प्रेजेंट रहेगा, यानी कि अगर हम अर्थ बोन का ही स्ट्रक्चर इस तरह से ले लेते हैं, ठीक है, बॉडी इसकी सेगमेंटेड होगी इस तरह से, ठीक है, तो इसके पास जो है पर्टिकुलर हेड भी प्रेजेंट होगा
और इसके पास जो है वो एनस भी प्रेजेंट होगा, प्रोस्टीरियर और सॉरी एंटीरियर और प्रोस्टीरियर एंड इसके अंदर पाए जाएंगी, ठीक है। और नेक्स्ट क्या होता है, कई बार जो इसका हेड होता है, ठीक है, जैसे कॉकरोच के ऊपर से सिग्नल्स लगे होते हैं ना, सेम वैसे ही इसके ऊपर जो होते हैं वो कुछ स्पीशीज के अंदर जो है, ठीक है, जैसे नेरिस है तो उसके ऊपर क्या होते हैं, यहाँ टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये टेंटिकल्स जो है यानी कि सेंसरी मोड के लिए, सेंस यानी कि उसको सेंस करने के लिए, आगे कोई चीज अगर वहां पे प्रेजेंट है, ठीक है, तो उसको वहां पे वो टेंटिकल प्रेजेंट होते हैं सिग्नल देने के लिए, सेंसरी होते हैं ये, ठीक है। तो ये हेड इसके पास जो है प्रेजेंट होगा। अब बात कर लेते हैं इसकी बॉडी वॉल की। पहले जो है हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, ये हमारा रह गया है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो हमारे पास जो अब फाइलम आ रही हैं उसमें क्या हो गया था, ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये हमारी पिछली फाइलम के अंदर ही आ गया था एफ एलिमेंथिस के अंदर, ठीक है। तो इसमें भी हमारे पास ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रहेगा, ठीक है। और अभी हमने सिलोम की बात करी थी ना, ठीक है, सिलोम की जो कैविटी इसके अंदर जो है वो ट्रू कैविटी होती है, उसे क्या कहा जाता है, सीजोकोइल, ठीक है, सीजोकोइल का इसे कहा जाता है। और ये भी ट्रांसवर्सली, अब बॉडी अगर बाहर से सेगमेंटेड है, हमने क्या पढ़ा था, अंदर से भी ये सेगमेंटेड होगी, तो इस तरह से जो कंपार्टमेंट इसके अंदर बनते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है सीटा। तो सीटा इसके अंदर जो है वो प्रेजेंट रहेंगे। अगर हम इसके स्केल्टन की बात करते हैं, ठीक है, स्केल्टन की बात अभी क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि सिलोम के अंदर जो कैविटी है इसके अंदर क्या होता है ना, सिलोमिक फ्लूइड होता है, और यही सिलोमिक फ्लूइड, जैसे कि हमने जो था एफ एलिमेंथिस के अंदर पढ़ा था कि उसके अंदर कोई मिनरलाइज स्केल्टन जो है वो प्रेजेंट नहीं है, सेम इसमें भी जो स्केल्टन है वो अब्सेंट होता है, कोई मिनरलाइज जो इसके अंदर स्केल्टन है वो प्रेजेंट नहीं है। अब मिनरलाइज स्केल्टन इसमें अगर प्रेजेंट नहीं है तो इसकी बॉडी जो है वो इतनी ज्यादा मतलब अपनी पोजीशन पे कैसे रह रही है, ठीक है, कुछ तो चीज होगी वहां पे, टर्जिड है ना बॉडी उसकी। तो वो जो सिलोमिक फ्लूइड है वो वही क्या है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो है अंदर क्रिएट करता है, और उसी की वजह से उसकी बॉडी जो है टर्जिड यानी कि अपनी पोजीशन में रहती है, ठीक है, कोई स्केल्टन उसके ऊपर जो है वो प्रेजेंट नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या है, जो सिलोमिक फ्लूइड है। बात कर लेते हैं इसकी बॉडी वॉल की, ठीक है। तो जैसे हमारे पास जो था एस एलिमेंथिस के अंदर था कि हमारे पास इसमें सिंगल लेयर एपिडर्मिस प्रेजेंट होती है, सिंगल लेयर एपिडर्मिस जो है वो प्रेजेंट होगी, उसके ऊपर क्या प्रेजेंट रहता है, क्यूटिकल प्रेजेंट रहता है, और ये कैसी होती है, मस्कुलर होती है, मस्कुलेचर, ठीक है, मसल इसमें प्रेजेंट होती हैं। लेकिन एस हेलमेंथिस में हमने क्या पढ़ा था कि हमारे पास सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल मसल वहां पे प्रेजेंट थी, इसके अंदर जो है लॉन्गिट्यूडनल एज वेल एज सर्कुलर मसल भी प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो मसल्स कैसी रहेंगी इसके अंदर, वो हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल और साथ में जो है वो कैसी रहेंगी, सर्कुलर, लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स जो है ये इसके ऊपर जो है वो प्रेजेंट रहती हैं, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं इसके डाइजेस्टिव ट्रैक की, ठीक है। तो हमने अभी क्या देखा था कि हमारे पास इसके अंदर जो है वो माउथ भी है और एनस भी प्रेजेंट है। माउथ और एनस जो प्रेजेंट होगा आपके पास, ठीक है, एनिलिड फाइलम में, वो क्या होगा, वो एंटायर बॉडी पे प्रेजेंट होगा, यानी यहाँ एक पर्टिकुलर माउथ रहेगा और यहाँ पे एनस होगा। तो ये जो डाइजेस्टिव ट्रैक है वो कैसा होगा, कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक रहेगा, और इसके अंदर जो मसल्स होंगी सेम वैसे ही लॉन्गिट्यूडनल
साथ में सर्कुलर जो गट होगा डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर जो गट होगा उसमें हमारे पास जो मसल्स रहेंगी लॉन्गिट्यूडनल भी मसल होंगी और वो सर्कुलर मसल भी उसमें प्रेजेंट रहेंगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक की, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर अगर हम देखें तो रेस्पिरेशन जो है वो जैसे कि पिछली फाइलम्स में अभी हो रहा था थ्रू जर्नल बॉडी सरफेस, इसमें भी रेस्पिरेशन जो है जर्नल बॉडी सरफेस के थ्रू ही होता है, ठीक है। रेस्पिरेशन कैसे हो रहा है? थ्रू जनरल बॉडी सरफेस। अब आते हैं इसके अंदर एडवांस फीचर पे। अब कहते हैं इसका सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें तो इसके अंदर अब सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है, लेकिन कैसा है? क्लोज्ड टाइप। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम इसके अंदर जो है वो प्रेजेंट होता है। और जैसे हमारे अंदर जो है पिगमेंट प्रेजेंट होता है, दैट इज हीमोग्लोबिन, ब्लड को रेड कलर देता है, तो हीमोग्लोबिन जो होता है ये पिगमेंट अब इस फाइलम के अंदर प्रेजेंट होगा और इसके ब्लड को रेड कलर देगा, ठीक है। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है, हीमोग्लोबिन इसके अंदर जो है वो प्रेजेंट, इसके अंदर जो है कार्पसल्स भी प्रेजेंट होगी, लेकिन कैसी होगी? एमोबॉइडल टाइप। कार्पसल्स इसके अंदर होगी एमोबॉइड टाइप ओनली, ठीक है। ये कार्पसल्स भी इसके अंदर जो है प्रेजेंट रहती हैं। तो ये हमारे पास एडवांस फीचर आ रहा है फाइलम एनिलिडा के अंदर। एसहेलमिंथेस के अंदर जो था सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट नहीं था। नेक्स्ट बात करते हैं इसके एक्सक्रीटरी सिस्टम की। एक्सक्रीटरी सिस्टम हर फाइलम में अब क्या है, थोड़ा डिवेलप होता जा रहा है, एडवांसमेंट आती जा रही है हमारे पास। तो जैसे कि हमारे पास जो फाइलम थी प्लैटीहेलमिंथेस, उसके अंदर क्या थे? फ्लेम सेल प्रेजेंट थे फॉर द ऑस्मोरेगुलेशन। उसके बाद नेक्स्ट जो आई थी फाइलम हमारे पास एसहेलमिंथेस, उसमें इस तरह से जो थी वो एच शेप्ड जो थी उसकी जो एक्सक्रीटरी सिस्टम जो थी वो प्रेजेंट थी, और इसके अंदर रेनेट सेल्स जो थे यहाँ पे प्रेजेंट थे फॉर द ऑस्मोरेगुलेशन। इसके अंदर यानी फाइलम एनालिडा के अंदर क्या होता है, इसमें हमारे पास जो रहेंगे दैट इज मेटानेफ्रीडिया। मेटानेफ्रीडिया यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं फॉर द एक्सक्रीशन, और इसमें ऑस्मोरेगुलेशन का काम भी ये करते हैं। अब मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो था अभी तक जो फाइलम थी उनके अंदर रहा था वो अमोनियोलिटिक थे, ठीक है। इसमें जो हमारे पास जो एक्वेटिक फॉर्म है, जो एक्वेटिक फॉर्म है वो क्या एक्सक्रीट करेंगी? वो अमोनिया, अमोनिया एक्सक्रीट करेंगी। और कैसे होंगे वो? अमोनियोटेलिक होंगे ये, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास टेरिस्ट्रियल फॉर्म है, टेरिस्ट्रियल फॉर्म, ठीक है, ये क्या करेंगे बच्चों? ये यूरिया, यूरिया एक्सक्रीट करेंगे और ये यूरियोटेलिक होंगे, ठीक है। जो एक्वेटिक फॉर्म होगी वो अमोनिया एक्सक्रीट करेगी, जो टेरिस्ट्रियल फॉर्म होगी वो यूरिया एक्सक्रीट करेगी। यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म एनिमल्स जो है ये रहेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी नर्वस सिस्टम की। तो नर्वस सिस्टम इसका फिर से एडवांस है, ठीक है। इसमें सर्कुमेंट्रिक जो नर्व रिंग्स जो होंगी वो प्रेजेंट होगी, नर्व कोड के साथ गैंग्लियोन भी प्रेजेंट रहेंगे, और सेंस ऑर्गन जैसे टेंटिकल्स, पैल्प्स, आईज जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट रहेंगी। तो बात करते हैं हम नेरिस की, ये स्ट्रक्चर इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर होगी हमारे पास। तो इसमें क्या होता है, टू पेयर्स ऑफ आईज होती हैं इसके अंदर, फोर आईज यहाँ पे प्रेजेंट होगी। ये ऊपर जो है पेरिस्टोमल टेंटिकल्स, जैसे टेंटिकल्स बात कर रहे हैं ना सेंस ऑर्गन की तरह ये काम करते हैं, ये टेंटिकल्स इसके
ऊपर जो है हेड पोर्शन के ऊपर जो है वो प्रेजेंट रहेंगे। अब देखिए जैसे अर्थ फॉर्म है उसके अंदर जो है वो चलने के लिए कोई उसमें हमारे पास जो है लेग्स वगैरह प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, इस तरह से मूवमेंट करेगा वो ऐसे फिर ऐसे, ठीक है, फिर अपनी बॉडी को आगे थोड़ा सा खींचेगा, फिर से इस तरह से मूवमेंट वो करेगा, ठीक है। इसमें क्या होता है ये स्विमिंग कर सकता है, ठीक है, ये जो इसके अंदर पैरापोडिया होते हैं ना, क्योंकि मेराइन है, पैरापोडिया के थ्रू ये मूवमेंट जो है स्विमिंग जो है यानी ये जो है मतलब नीचे बॉटम के ऊपर भी चल सकता है और ये जो है वो मेराइन है वाटर में स्विम भी कर सकता है। दूसरी बात ये है कि मोस्टली जो नेरिस होता है, ठीक है, अर्थबोम तो हमने आसपास देखा है, फ्रेश वाटर के अंदर लीच भी मिल जाती है, ठीक है, हिरुडुनेरिया उसे कहा जाता है, ठीक है, लेकिन ये जो नेरिस होता है ये कहाँ रहता है मोस्टली, जो सी मतलब जैसे इस तरह से है टाइडल एरियाज होते हैं जहां पे टाइड्स आ रही हैं ऐसे ऐसे करके, ठीक है, उस एरियाज में वहां ये सैंड के ऊपर रहेगा और कैसे रहेगा, सैंड के नीचे ऐसे बुर्रो बना के यहाँ इसके अंदर ये प्रेजेंट होता है। जैसे पानी इसकी बुरो में घूमता है क्योंकि जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू रेस्पायर कर रहा है, वाटर की जरूरत तो बेचारे को पड़ेगी पड़ेगी, ठीक है, बिना वाटर के साथ क्या करेगा ये बेचारा, ठीक है, तो उस तरह से तो इसके अंदर ये पैरापोडिया फॉर द मूवमेंट के लिए प्रेजेंट रहते हैं। अगर हम बात करते हैं अब एनिलिड के अंदर जो है रिप्रोडक्शन की, रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो देखिए सारे के सारे जो है वो एडवांस फीचर लेते जा रहे हैं, लेकिन एनालिडा जो है ये कुछ और ही काम कर रहा है। रिप्रोडक्शन में जो हमारे पास अर्थबोम होता है, अर्थबोम ने क्या किया, देखिए हमारे पास जो थे अब सेक्सिस जो थे वो सेपरेट हो चुके थे एस एलिमेंथिस के अंदर, वो डाइशियस थे, लेकिन इसने क्या किया, इसने फिर से प्रिमिटिव फीचर को अपना लिया। इसमें हमारे पास मेल और फीमेल एक ही बॉडी के अंदर प्रेजेंट होंगे और ये कैसा होगा, हर्मेफ्रोडाइट। तो इसमें कुछ स्पीशीज जो है एनिलिड में वो हमारे पास कैसी हैं, वो हमारे पास कुछ एनिमल जो है हर्मेफ्रोडाइट है। अगर हम नेरिस की बात करें तो इसमें मेल और फीमेल जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, तो ये कैसा है, यूनिसेक्सुअल डायसियस है, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन जो है अगर जैसे अर्थवर्म की बात कर ले, नेरिस की बात कर ले, इनमें मोस्टली जो होगी, ठीक है, नेरिस में बात करें तो इसमें हमारे पास जो फर्टिलाइजेशन होती है, रिप्रोडक्शन होती है, वो कैसी रहेगी, वो एक्सटर्नल रहेगी, ठीक है, इसकी बॉडी के बाहर होती है। इसमें बहुत मतलब अजीब से फीचर है रिप्रोडक्शन के लिए, क्या होता है कि जब ये हमारे पास एडल्ट स्टेज में पहुंच जाता है, रिप्रोडक्टिव स्टेज आती है, तो इसकी बॉडी जो है वो ऊपर की तो सेम रहती है लेकिन नीचे की बॉडी जो है वो चेंज हो जाती है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है वो टेम्परेरी होते हैं, वो तभी बनते हैं जब उसमें रिप्रोडक्शन होती है, उससे पहले वो प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो कई बार ये ना बड़े अजीब अजीब तरीके से जो है रिप्रोडक्शन करता है, कई बार इसकी बॉडी जो होती है नीचे यहाँ पे जैसे मान लीजिए टेस्टिस है या फीमेल होगी तो उसमें ओबरीज होंगी, ठीक है, तो इसमें जब एग बनेंगे या इसमें जो स्पर्म बनेंगे तो ये क्या करेंगे, ये सीधी इनकी नीचे वाली बॉडी जो है वो फट जाती है, ये मर जाते हैं और ये आपस में जो पास आके आए होंगे तो इसके जो स्पर्म होंगे वो इन एग को क्या कर देंगे, वो फर्टिलाइज कर देंगे, ठीक है। तो अजीब तरह से रिप्रोडक्शन होती है इसके अंदर। अर्थवर्म जो है ये हर्मेफ्रोडाइट है, एक ही बॉडी के अंदर मेल और फीमेल जो है वो प्रेजेंट रहेंगे। तो इसमें हमारे पास डायरेक्ट भी, अब डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट जो है इट मे बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है। तो इनडायरेक्ट में हमारे पास लार्वल स्टेजेस जो है वो आएंगी, ठीक है। तो लार्वल स्टेजेस में वन ऑफ द लार्वल स्टेज जो है वो है हमारे पास वन ऑफ द लार्वल टोकोफोर, ठीक है, ये लार्वल स्टेज रहती है नेरिस के अंदर, ठीक है। तो आज की जो हमारी फाइलम थी एनिलिड फाइलम उसमें इतना ही था। नेक्स्ट फाइलम जो है हमारे पास वो रहे आर्थ्रोपोडा। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।